Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों, सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी का मतलब होता है विच इज नॉट प्रिंसिपल, विच इज सेकेंडरी, विच इज नॉट मेन, एंसिलियरी, किसी चीज की हेल्प करने। हमने इस बारे में डिस्कशन कर ली है कि जब किसी फर्म के अंदर ट्रांजैक्शंस बहुत सारी होती है तो हम लोग हर कैटेगरी की ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक मेंटेन कर लेते हैं। जैसे कैश की ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक, क्रेडिट की ट्रांजैक्शन के लिए कुछ और बुक्स, पर्सनल ट्रांजैक्शंस के लिए पर्सनल लेजर एंड सो। खैर वो तो लेजर है, पर्सनल लेजर मुझे वर्ड नहीं बोलना चाहिए। क्रेडिट की ट्रांजैक्शन के लिए दूसरी बुक, और इस तरह से हम जितने भी सेपरेट सेपरेट बुक खोलते हैं उन सबको बोलते हैं सब्सिडियरी। सब्सिडियरी बुक्स इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेन बुक नहीं होती, यहाँ पर हम लोग प्राइम एंट्री पास करते हैं और इसके बाद फिर हम लोग इसको मेन लेजर में लेकर जाते हैं और फिर उसके बाद जो है इनकी आगे फर्दर प्रोसेसिंग। तो सब्सिडियरी बुक्स में बेसिकली हम लोगों को कैसे कैसे चलना है जरा देखें ध्यान से। सब्सिडियरी बुक्स में कैन बी डिवाइडेड एज कैश बुक। बच्चों सबसे पहले ये कैश बुक बनती है, कैश बुक में सारी कैश ट्रांजैक्शंस शो होती है। फिर उसके बाद बच्चों परचेजेस बुक, इसमें सारी क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स शो होती है, क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स शो होती हैं परचेज बुक। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स शो होती हैं बच्चों। इसके बाद परचेज रिटर्न बुक में, ये जो हमने परचेज बुक में यहाँ पर हमने एंट्री पास करी उनमें से अगर कुछ रिटर्न्स हैं तो वो परचेजेस रिटर्न बुक के अंदर ट्रांसफर होंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारी सेल्स रिटर्न बुक। आप समझदार हो, सेल्स बुक में जो मैंने क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी है उसमें से अगर कुछ रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न बुक में जाएगी। इसके बाद बच्चों जर्नल बुक, जो ट्रांजेक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो कैश की ट्रांजेक्शन कैश बुक में चली गई, गुड से रिलेटेड परचेजेस की ट्रांजेक्शन क्रेडिट पर परचेज बुक में चली गई, गुड्स की क्रेडिट सेल सेल्स बुक में चली गई, इसी से रिलेटेड परचेज रिटर्न बुक में चली गई, सेल रिटर्न बुक में चली गई। अभी भी बहुत सारी ट्रांजेक्शन बची हैं, जैसे क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर, ये कहीं पर भी नहीं गई अभी तक, तो उसको जनरल प्रॉपर में शो किया गया। कोई रेंट आउटस्टैंडिंग है वो कहां शो करें? इन सब बुक में तो है नहीं, जर्नल प्रॉपर। तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो कैश बुक परचेज बुक सेल बुक परचेज रिटर्न बुक सेल रिटर्न बुक में नहीं गई, अब उनको कहां पर ट्रांसफर करना है? जर्नल प्रॉपर, ठीक है जी। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है हम सब डिवीजन ऑफ जर्नल कैसे करते हैं जरा थोड़ा ध्यान से समझेंगे। हम लोग जर्नल प्रॉपर को दो तरीके से बना लेते हैं, एक तो स्पेशल जर्नल बना लेते हैं जो कि नाम के साथ चलती हैं, और बाकी है जर्नल प्रॉपर जो कि बेसिकली जनरल GENERAL जनरल जर्नल की तरह चलती है। जो कहीं नहीं आएगी वो जर्नल प्रॉपर में आएगी, लेकिन स्पेशल जर्नल वो हैं जिनके लिए हमने स्पेशल जगह बनाकर रखी। जैसे आप ध्यान से देखेंगे, अभी अभी आपको बताया कैश बुक में कैश की ट्रांजेक्शन सारी रिसीट पेमेंट सब कुछ, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न्स की ट्रांजैक्शन, सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न्स की, और बाकी जो बचे वो सब जर्नल प्रॉपर में जाएगा। यही डिस्कशन अभी अभी हमारी हुई, और अब इंडिविजुअल सब्सिडियरी बुक मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे सबसे पहले है परचेज, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों इसके अंदर हम लोग सारी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो शो करते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। तुम गुड्स समझते हो बच्चों, गुड्स वो जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं, और ध्यान रहे सिर्फ क्रेडिट की बात चल रही है, कैश परचेज ऑफ गुड्स कैश बुक में जाएगा इसलिए उसकी यहां पर कोई जगह नहीं। ध्यान रहे क्रेडिट भी होनी चाहिए गुड्स भी होनी चाहिए, तो उसको
परचेज बुक में शो करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो कॉलम्स हैं वहां हमारे, वो आप देखें, डेट, किस डेट को मैंने गुड्स परचेज करी है, पर्टिकुलर पार्टी का नाम, किस पार्टी से खरीदी है, इनवॉइस नंबर, उस बिल का नंबर क्या है, लेजर फोलियो, जब हम इसको लेजर में पोस्ट करेंगे तो परचेजेस अकाउंट किस पेज नंबर पर है, डिटेल्स, जैसे मिस्टर मैसर्स एबीसी से मैंने कई तरह के गुड्स खरीदी है, तो ए टाइप के गुड्स, बी टाइप के गुड्स, सी टाइप के गुड्स, उन सबका अलग अलग मेंशनिंग होगी, इसको डिटेल्स बोलेंगे, और फिर उसका टोटल करके उसको अमाउंट के कॉलम में ले आए। जब हम इसका प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ते हैं तो आपके सामने आ जाए, ठीक है, ओके।